हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2019 का एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो चुका है, जिसे आप यूपीपीसीएस यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज हम यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स के अवार्ड या वेरियस अवार्ड जिन्हें यूपी के कुछ लोगों को दिए गए हैं जो कि फर्स्ट रेसिपिएंट्स हैं वेरियस अवार्ड्स हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ यूपी, यानी कि यूपी की जो सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री वो कौन सी है। तो वो क्या है, जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ यूपी की है वो है हैंडलूम, यानी कि हैंडलूम का जो बाजार है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है यूपी की। वहीं अगर बात करें हम मैनचेस्टर ऑफ यूपी, यानी कि यूपी में किसे मैनचेस्टर ऑफ यूपी से कहा जाता है, तो जो इसका सही जवाब है वो है कानपुर। हाँ, तो दोस्तों, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ यूपी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं रैंक ऑफ यूपी इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन, यानी कि शुगर प्रोडक्शन के मामले में यूपी की जो रैंक है वो क्या है, तो दोस्तों यूपी की जो रैंक है वो है सेकंड शुगर प्रोडक्शन के मामले में। वहीं अगर बात कर लें रैंक ऑफ यूपी इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जूट मिल्स, यानी कि जूट मिल्स और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो रैंक है यूपी में वो क्या है, तो दोस्तों थर्ड रैंक है इसकी। तो अब बात कर लेते हैं हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में। तो आप जान लेते हैं कि प्लास्टिक सिटी के नाम से कौन सी जो सिटी है वो कहलाई जाती है, तो दोस्तों जो औरैया है वो प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात कर ले मेगा फूड पार्क का, तो जो मेगा फूड पार्क है उसे जगदीशपुर, यानी कि जगदीशपुर नाम जो है, यानी जगदीशपुर जो सिटी है उसे मेगा फूड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ लेदर इंडस्ट्री, यानी कौन सी डिस्ट्रिक्ट सिटी को सेंटर ऑफ लेदर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों कानपुर को हम लोग सेंटर ऑफ लेदर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल रबर प्रोडक्शन यूपी, यानी यूपी में जो आर्टिफिशियल रबर जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो दोस्तों बरेली एक ऐसी सिटी है जहां पे आर्टिफिशियल रबर का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज इन यूपी, तो दोस्तों गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज प्रेजेंट है, जहां से फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंट अवार्ड्स के बारे में, जो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मेल रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड इन यूपी, यानी कि यूपी में कौन से वो पहले मेल रेसिपिएंट है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, तो दोस्तों इसका सही आंसर है अखिल चंद्र मित्रा। हाँ, अखिल चंद्र मित्रा को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें अवार्ड कब मिला था, दोस्तों ये आप सन भी याद कर लीजिए कि कौन से ईयर में दिया गया था, तो इसका जो ईयर है वो 1954 है। वही हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड इन यूपी, तो जो इसका राइट आंसर वो है श्रीमती मोना चंद्रवती गुप्ता। अब ये श्रीमती मोना चंद्रवती गुप्ता को जो ये अवार्ड दिया गया था वो 1965 में दिया गया था, और ये पहली फीमेल रेसिपिएंट है पद्मश्री अवार्ड की। अब बात हम कर लेते हैं फर्स्ट मेल रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण अवार्ड इन यूपी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शांति स्वरूप भटनागर जी को फर्स्ट मेल रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। अब हम वही बात कर लेते हैं फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण अवार्ड इन यूपी, तो जो इसका सही आंसर है वो है रामेश्वरी नेहरू, यानी कि रामेश्वरी नेहरू जी थी, उन्हें फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण अवार्ड इन यूपी के से नवाजा गया था। वहीं अगर हम बात कर ले फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड इन यूपी, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, इन्हें क्या है, इन्हें ये हैं फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड इन यूपी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड और जो वेरियस अवार्ड से रिलेटेड थे। दोस्तों आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए या आप इसे कहीं से अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप इसे मिस ना करते। तो दोस्तों यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वंदे मातरम।